नमस्कार दोस्तों, आखिरी 25 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 50 रन। क्रीज पर निकलस पुरन और कप्तान केएल राहुल खेल रहे थे, फिर उसके बाद संजू सैमसन ने दिखाया अपनी कप्तानी का दमखम और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी की टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच खेला गया, जहां राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम की तरफ से जायसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत की। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। जोस बटलर केवल 11 रन बनाकर नवीन उलक का शिकार हो जाते हैं और राजस्थान की टीम को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान संजू सैमसन जायसवाल का साथ निभाने क्रीज पर आते हैं। जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर जायसवाल भी आउट हो जाते हैं और 49 रन के स्कोर पर राजस्थान को दूसरा झटका लगता है। लेकिन फिर उसके बाद कप्तान संजू सैमसन और रियान प्रयाग के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके राजस्थान की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर ये दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं। लेकिन तभी रियान प्रयाग 29 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 142 रन के स्कोर पर राजस्थान की टीम को तीसरा झटका लगता है और फिर उसके बाद क्रीज पर हेटमायर आते हैं, लेकिन हेटमायर भी आते ही केवल 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 150 रन के स्कोर पर राजस्थान को चौथा झटका लगता है। दूसरे छोर पर कप्तान संजू सैमसन अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उनका साथ निभाने ध्रुव जुरेल आते हैं और फिर दूसरे छोर पर सैमसन अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। वहीं ध्रुव जुरेल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और अंत के ओवरों में संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ छक्के लगाकर अपनी पारी को 82 रन के स्कोर तक पहुंचाया और संजू सैमसन ने अपनी टीम को 20 ओवर में 193 रन 4 विकेट के नुकसान तक पहुंचाया। ध्रुव जुरेल ने 20 रनों की नाबाद पारी खेली और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से नवीन उलक ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और उसके अलावा 2 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट मिला और जवाब में 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। आते ही क्विंटन डिकॉक पहले ओवर में 4 रन के स्कोर पर बोल्ट का शिकार हो जाते हैं, फिर उसके बाद पडिकल भी बोल्ट का 0 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं, फिर उसके बाद आयुष बडोनी भी केवल 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। केवल केएल राहुल क्रीज पर डटे हुए थे और 11 रन के स्कोर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं और फिर उसके बाद दीपक हुड्डा और राहुल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। दीपक हुड्डा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी चहल उन्हें 26 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 60 रन के स्कोर पर लखनऊ को चौथा झटका लगता है। फिर कप्तान केएल राहुल और पूरन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पूरन आते ही आज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर कप्तान केएल राहुल भी अच्छा खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचाया और केएल राहुल ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक पूरा किया और वहीं दूसरे छोर पर निकलस पुरन भी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और अब आखिरी 25 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 50 रन की जरूरत थी। लेकिन तभी कप्तान केएल राहुल केवल 44 गेंदों पर 58 रन की पारी खेलकर संदीप शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 145 रन के स्कोर पर लखनऊ को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद मार्कस टोइनिस मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। अश्विन उन्होंने 3 रन के स्कोर पर अश्विन आउट कर देते हैं और वहीं लखनऊ की टीम को 154 रन पर छठा झटका लगता है। एक छोर पर निकलस पुरन 62 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खेल रहे थे और उनका साथ निभाने कुणाल पांड्या आए, लेकिन अब आखिरी ओवर में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। हालांकि निकलस पुरन और कप्तान केएल राहुल की पारी बेकार गई। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में अपनी पहली जीत आज लखनऊ के खिलाफ दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।